हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए पर बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972, यूपी अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 पढ़ रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो मैं दे चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने धारा 2 के एक पार्ट को पढ़ा था। उसी के आगे हम आज दूसरा पार्ट वीडियो का पढ़ रहे हैं। हम लोग 10 प्रकार के ऐसे भवनों की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं जिसमें यह अधिनियम लागू नहीं होता है। धारा 2 ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अधिनियम निम्न प्रकार के भवनों पर लागू नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब हमें आगे उसी को और देखना है। उसी के आगे धारा 2 में ही कुछ और बातें बताई गई हैं। ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि परीक्षा में यहीं से कहीं से आपको घुमाया फिराया जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात ये हमें जाननी है कि ऐसा भवन, ये 11वें प्रकार का भवन है कि जिसमें यह अधिनियम लागू नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ऐसा भवन जिसका निर्माण जब पूरा हो, पूरा होने की तिथि से 10 वर्ष तक की अवधि, ये याद रखना, 10 वर्ष तक की अवधि तक इस अधिनियम के प्रावधान उस भवन पर लागू नहीं होंगे। अब यह तो एक सिंपल बात बता दी गई है कि जब भवन का जिस तिथि को निर्माण होता है तो निर्माण संपन्न होने की तिथि से 10 वर्ष तक यह अधिनियम उस नए निर्मित भवन पर लागू नहीं होगा। अब इस 10 वर्ष को हमने और भी बढ़ा के रखा है। ये कहा गया कि अगर आपने वित्तीय संस्थाओं से लोन लेकर के भवन का निर्माण किया है, तो अगर आपने लोन लेकर के वित्तीय संस्थाओं से, जो मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाएं हैं, उनसे लोन लेकर के अगर आपने भवन का निर्माण किया है तो भवन के निर्माण की तिथि से 15 वर्ष तक फिर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। यदि स्वयं से आपने निर्मित किया है तो 10 वर्ष तक उस तिथि से लागू नहीं होगा। अब ये बात याद रखने की है कि अगर आपने भवन का निर्माण कर लिया है तो उस तिथि से 10 वर्ष तक तो ये अधिनियम लागू नहीं होगा, लेकिन इस भवन में जो आपने स्वयं बनवाया है उसमें इस अधिनियम की कुछ धाराएं जरूर लागू होंगी। तो वो धाराएं आप याद कर लीजिए। भाई, 10 वर्ष तक यह कंप्लीट जो संपूर्ण अधिनियम है ये तो लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ धाराएं जरूर लागू होंगी। वो धाराएं आप नोट कर लीजिए। धारा 12 का क्लाज 5 है, ये लागू नहीं होगा। धारा 21 का क्लाज 1A है, ये लागू नहीं होगा। धारा 24 का क्लाज 2 लागू नहीं होगा। धारा 24 का लागू नहीं होगी, धारा 24 खा लागू नहीं होगी, और धारा 24 घा लागू नहीं होगी। साथ ही साथ धारा 29 का क्लाज 3 भी, सॉरी, ये सब लागू होंगी, ये सारी धाराएं लागू होंगी। फिर से सुन लीजिए कि अगर आपने भवन का निर्माण खुद से कराया है तो भवन के निर्माण की तिथि से 10 वर्ष तक तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा, लेकिन इस अधिनियम की कुछ धाराएं जरूर लागू होंगी। और ये जो धाराएं लागू होंगी वो धारा है धारा 12 का क्लाज 5, धारा 21 का क्लाज 1A, धारा 24 का क्लाज 2, धारा 24 का, 24 खा, 24 घा, गा नहीं, 24 घा, ये लागू होगी। धारा 29 का क्लाज 3 लागू होगा। तो उस भवन में इतनी धाराएं इस अधिनियम की लागू होंगी। ये याद करने वाली धाराएं हैं। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है जब पेपर थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, तो ये तो 10 वर्ष वाली बात हो गई। और अगर आपने उस भवन को वित्तीय संस्थाओं से
मदद लेकर के, ऋण लेकर के, लोन लेकर के बनवाया। ये वित्तीय संस्थाएं मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इनसे अगर आपने लोन लेकर ऋण लेकर के बनवाया है तो फिर यह अधिनियम 15 वर्ष तक लागू नहीं होगा, ये बताया गया इन्होंने। तो 15 वर्ष की बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये भी कहा कि एक तारीख भी दी गई है अपने एक्ट में कि अगर भवन का निर्माण 26 अप्रैल 1985 को या उसके पश्चात निर्मित हुआ है तो फिर यह अधिनियम उस भवन में 40 वर्ष तक लागू नहीं होगा। तो ये डिफरेंट जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको कंफर्म करके रखना है, यहीं पर गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। 10 का मामला क्या है, 15 का मामला क्या है, 40 का मामला क्या है, ठीक है, क्या ये डेट है, तो ये इन्होंने डेट भी दे रखी है कि उसको या उसके पश्चात है तब 40 वर्ष तक लागू नहीं हो। ऋण लेकर के बनवाया है 15 वर्ष तक लागू नहीं होगा, आपने स्वयं बनवाया है 10 वर्ष तक लागू नहीं होगा। कुछ धाराएं जरूर लागू होंगी, तो वो 12 का क्लास 5 आप देख लीजिए, 21 का क्लास 1A देख लीजिए, 24 का क्लास 2 देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, 24 खा देख लीजिए और 24 घा और धारा 29 का क्लास 3। तो ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, कौन सी धारा लागू नहीं होगी, कौन कौन सी धाराएं लागू होंगी, है ना, या इनमें से क्या सही है क्या गलत है, किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके सामने एग्जामिनर के द्वारा खड़ी की जाएगी। और वहां वही एक क्षण होता है जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप का एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो चलिए इतनी बात हम लोगों ने कर ली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद धारा 2 में ही ये बताया गया कि यदि कोई ऐसा भवन है जिसका निर्माण कई खंडों में हुआ है, कोई भवन है जो, और तो अगर कई खंडों में निर्माण हुआ है तो उसमें अलग अलग तारीख को लेकर के पूर्णतः तिथि मानी जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि यदि किसी भवन के विभिन्न भाग को कई बार पूरा किया गया है, पूर्ण किया गया है, तो प्रत्येक भाग का अलग अलग पूर्णतः तिथि, कंप्लीट होने की तिथि मानकर अधिनियम को प्रभावी किया जाएगा। तो ये तो बात यहाँ हो गई, लेकिन इस धारा में एक बात और कही गई है कि यदि कोई ऐसा भवन है जो कई खंडों पर किराए पर दिया गया है तब क्या अधिनियम का मामला होगा। तो अगर कई खंडों में किराए पर दिया गया है तो वहां पर हम संपूर्ण किराए के योग को देखेंगे, और अगर वो योग 2000 रुपए से अधिक जा रहा है तो फिर अधिनियम लागू होगा, अगर कम जा रहा है तो अधिनियम लागू नहीं होगा। मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक आगरा बनाम डीजे आगरा का ये मामला है, इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जहाँ कहीं भवन को कई खंडों पर किराए पर दिया गया है वहाँ किराए पर दिए गए संपूर्ण भवन के संपूर्ण मासिक किराए के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि भवन का किराया 2000 रुपया से अधिक है या नहीं है, ये निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद उसमें हम इस अधिनियम को लागू करेंगे। तो ये भी याद रखने की बात है, इससे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, कई खंडों पर किराए पर दिया गया है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, या उस भवन को कई बार में अलग अलग पार्ट में बना करके कंप्लीट किया गया है तब वहाँ पर जो कंप्लीशन का डेट होगा वो कैसे आप निर्णित करेंगे, तो ये भी इसी सेक्शन में बताया गया है, क्योंकि ये सेक्शन काफी लेंदी है। अब आपको ये याद रखना है कि ये तिथि का मामला कब आएगा, यानी कि किसको सिद्ध करना पड़ेगा कि साहब ये इस तिथि को हमारे भवन का निर्माण हुआ था।
तो उस व्यक्ति को यह बात सिद्ध करनी पड़ेगी, यह तारीख सिद्ध करनी पड़ेगी, जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपने भवन को लेकर के इससे संबंधित कोई छूट चाहता है, कोई छूट प्राप्त करना चाहता है, तो फिर उसे छूट लेने के लिए यह सिद्ध करना पड़ेगा कि हम इस डेट के बाहर हैं या इस डेट के अंदर हैं। जैसी छूट होगी, जिस प्रकार की छूट होगी, उसी प्रकार से उसको डेट को सिद्ध करना पड़ेगा, तो उसी व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा जो ये छूट प्राप्त करना चाहता है। धारा 2 के स्पष्टीकरण में ये दिया गया है कि कब माना जाए कि तिथि का निर्धारण कैसे किया जाए, तो कंप्लीशन की डेट कैसे पता की जाए, तो स्पष्टीकरणों से पता चलता है कि जिस तिथि को भवन का निर्माण पूरा हुआ है और उसकी सूचना स्थानीय निकाय को दी गई है, तो जिस तिथि को सूचना दी गई है वह तिथि मान ली जाएगी। या फिर कोई ऐसा भवन है जिसका हमें निर्धारण करवाना है, इन्हीं के द्वारा निर्धारण होता है, तो निर्धारण अगर करा लिया गया है तो जिस तिथि, जो तिथि निर्धारित की गई है, फिर आपको वो तिथि मान की जाएगी। यदि आपने निर्धारण नहीं करवाया है, निर्धारण नहीं करवाया है आपने, तो फिर उस तिथि को जब सर्वप्रथम भवन में आपने प्रवेश किया है, ऑक्युपाई किया है आपने, तो उस तिथि को फिर वह तिथि मानी जाएगी जो कंप्लीशन की तिथि होगी। तो इस तरह से 3 क्राइटेरिया इसमें दिए गए हैं, या तो आपने कंप्लीशन की सूचना दे रखी है, डेट दर्ज करा रखी है, या फिर निर्धारण कराया है आपने, या अगर आपने निर्धारण नहीं कराया है तो फिर आपके लिए वो डेट मानी जाएगी जिस डेट में आपने गृह प्रवेश किया है, इस तरह से कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये आपको छोटी छोटी बातें जो इनिशियल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी बातें हैं ये भवन के संबंध में, इस एक्ट के संबंध में, ये आपको याद रखना है, चूँकि आगे काम भी आएंगी जब हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे आप इसमें, तो ये आएगा। अब इसके बाद इसमें शॉर्ट टर्म लाइसेंस की बात की गई है, अनुगत की बात की गई है, तो धारा 2A है इसमें, जो ये कहती है कि अल्पकालीन या कुछ समय के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। अनुज्ञप्ति किसी को मकान में रहने की अनुज्ञप्ति दी जा सकती है शॉर्ट टर्म्स के लिए। तो जो अनुज्ञप्तिधारी होगा और जो भवन स्वामी होगा वो इस समय अनुज्ञप्तिदाता होगा। तो ये जो अनुज्ञप्तिदाता है, यह 3 माह से अधिक अवधि के लिए निवास की सुविधा नहीं दे सकता। कहने का मतलब यह है कि ये 3 माह की अवधि के लिए अस्थाई निवास की सुविधा प्रदान कर सकता है अनुज्ञप्ति के माध्यम से। अब उसमें शर्त यह है कि अगर आपने अनुज्ञप्ति दी है तो अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से 1 माह के अंदर ये जिला अधिकारी को सूचित करेंगे कि हमने इनको कब्जा दे दिया है इतने इतने समय के लिए। अगर आपने सूचना दे दी है तो फिर इस अनुज्ञप्ति के समय को बढ़ाएं। तो फिर अगर आपने सूचना 1 माह के अंदर दे दी है जिलाधिकारी महोदय को, तो याद रखिएगा, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुज्ञप्ति जो अल्पकालीन अवधि की अनुज्ञप्ति है वो कितने समय तक की दी जा सकती है, तो 3 माह तक की दी जा सकती है। क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया जा सकता है। ये बढ़ाया तब जा सकता है जब आपने इस बात की सूचना अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी दोनों ने मिलकर के कब्जा देने के, जो भी कब्जा प्रदान किया गया है, कब्जा प्रदान किए जाने की सूचना 1 माह के भीतर आप जिलाधिकारी को देंगे। तो फिर जिला अधिकारी महोदय, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, ऐसे अनुज्ञप्ति को 6 माह तक के लिए बढ़ा सकते हैं।
अब ये अनुज्ञप्ति बढ़ सकती है, ये भी आपको याद रखना है। और विशेष बात याद रखना है कि इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को किरायेदार नहीं समझा जाएगा, यानी कि अनुज्ञप्तिधारी किरायेदार नहीं हो सकता। इसलिए इस अधिनियम में जो भी राइट्स किरायेदार को हैं, वो राइट्स अनुज्ञप्तिधारी को नहीं है, लाइसेंसी को बिल्कुल भी नहीं है, वो उसे अधिकार प्राप्त है ही नहीं। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अब क्या अनुज्ञप्तिधारी की बेदखली की जा सकती है? तो अनुज्ञप्तिधारी की बेदखली की जा सकती है, ये व्यवस्था भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो कब की जा सकती है अनुज्ञप्तिधारी की बेदखली? यदि वह भवन को खाली करने में, रिक्त करने में लोप करता है, या भवन को रिक्त करने, खाली करने से इनकार करता है, तो फिर विहित प्राधिकारी, अच्छा इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, विहित प्राधिकारी है, ये इनको धारा 3 के क्लॉज ई में बताया गया है। तो ये न्यायिक अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको वही पावर होते हैं, धारा 3 ई में ये बात बताई गई है। तो इनको विहित प्राधिकारी जो हैं, ये दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात ही बेदखली का आदेश देंगे और धारा 23 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को बलपूर्वक बेदखल किया जा सकता है। धारा 23 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को बलपूर्वक बेदखल किया जा सकता है। तो ये आप भी आपको याद रखना है। ये सिंपल बातें हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आती हैं तो फिर हम घूम जाते हैं। तो इस धारा का ये सेकेंड पार्ट जो बहुत ही ज्यादा काम का है एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम लोगों ने इसमें कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में धारा 2 का पढ़ेंगे। आज हमने धारा 2-2 और धारा 2 का, इन दोनों को यहाँ पर कवर किया है वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 2 खा या 2B को डिस्कस करेंगे, जिसमें किराया नियंत्रण अधिकरण का गठन किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, इसका गठन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, क्या आपके काम आ रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, ऐसे कुछ सवाल मेरे जहन में आते रहते हैं और इनका जवाब आप लोग ही दे सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि जवाब देना चाहिए तो आप ज़रूर दिया करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सब किया करें, चूँकि हम लोग का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि वीडियो बनाएंगे, लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये तो लालच रहती ही है। कितना भी परोपकारी कार्य क्यों ना सोशल प्लेटफॉर्म में किया जा रहा हो, लेकिन उसके पीछे कुछ मनसा जरूर रहती है, आपसे कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। तो अगर हम आपकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं तो आप भी हमारी अपेक्षाएं पूरी करने का प्रयत्न करें, अगर आपको उचित लगता है तो ही, अन्यथा कोई बात नहीं है। वीडियो देखिए, सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसका यूज करिए अपने लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।